तो डियर स्टूडेंट आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और मेरा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है पत्र लेखन, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। और साथ में आप लोग का बहुत ज़्यादा डिमांड आ गया था कि सर पत्र लेखन का वीडियो बनाइए, और साथ में आप लोगों ने ये भी डिमांड किया था कि सर वीडियो जो है वह व्हाइट बोर्ड पर बनाइएगा। तो व्हाइट बोर्ड पे वीडियो बनाना मतलब बहुत मुश्किल का काम होता है। क्यों? क्योंकि पूरा लिखना पड़ता है, नहीं तो आईपैड पे तो दो मिनट में बना के आपको दे देंगे। लेकिन आप लोग का डिमांड पूरा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करके रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसलिए प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। चलिए करते हैं स्टूडेंट पत्र लेखन को स्टार्ट। अब जैसे ही हम कैमरा से हटें तो सबके मन में सवाल आ गया होगा कि सर आप इतना बड़ा क्या लिख दिए, सर हमारे तो दिमाग से बाहर है। तो देखिए क्यों लिखे हैं वो तो आपको हम समझा देंगे काहे लिखे हैं, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि क्यों हमने ये लिखा है। क्योंकि अगर स्टूडेंट पहले से हम नहीं लिख के रखें तो लिखने में ही दो घंटा का समय बीत जाएगा और जो लेक्चर है वो चार पाँच घंटे का हो जाएगा, तो कोई काम का नहीं बनेगा। इसलिए तो पत्र लेखन जो है स्टूडेंट वो आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का आएगा। टोटल कितने मार्क्स का पत्र आएगा? 5 नंबर का पत्र आएगा। उसमें जो है स्टूडेंट आपको 3 टॉपिक सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है। संबोधन, ध्यान से सुनिएगा, अभी सबका मतलब समझा रहे हैं, संबोधन, उसके बाद अभिवादन, उसके बाद पत्र का समापन। क्या क्या याद रखना है? संबोधन, अभिवादन और पत्र का समापन, ये 3 चीज़ आपको अगर बेहतर ढंग से याद है तो 5 नंबर में 1 नंबर तो ऐसे ही अभी ही आपका फिक्स हो गया, एकदम निश्चिंत हो जाइए, चादर तान के सूत जाइए। चलिए अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला जो है संबोधन, उसका मतलब समझते हैं क्या होता है। संबोधन का मतलब होता है किसी भी कोई भी आदमी को संबोधित करना। जैसे आप हमें क्या संबोधित करते हैं? सर करते हैं। आप अपने मम्मी पापा को क्या कहते हैं? मम्मी पापा कहते हैं, या माता जी कहते हैं, या पिताजी कहते हैं, या बाबूजी कहते हैं, कुछ भी आप कहते हैं। उसके बाद आप अपने मामा मामी को क्या कहते हैं? मामा कहते हैं, मामी कहते हैं। आप अपने बाबू सोना को क्या कहते हैं? बाबू सोना कहते हैं। तो ये सब क्या हो गया? संबोधन हो गया, हम उनको संबोधित कर रहे हैं। तो इसी तरह पत्र के लिए भी संबोधन होता है। जब बड़ों के लिए हम पत्र में संबोधित करने का काम करेंगे, संबोधन का काम करेंगे, तो हम लोग यूज करेंगे आदरणीय का, मान्यवर का, पूजनीय का और माननीय का यूज हम लोग करेंगे। इसको गांठ बांध के याद कर लीजिएगा, देख लेते हैं कि रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या क्या आपको याद करके रखना है? बड़े के लिए आदरणीय, मान्यवर, पूजनीय और माननीय आपको याद करके रखना है। टेंशन नहीं लीजिए, अभी पत्र भी लिख के प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक। लेकिन ये सब जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, पुरनका जो पाप है, 6, 7, 8, 9, 10th में तो सीधा पास हो गए, 10th में भी हो जाएंगे सर, आपके दया से हो जाइएगा, लेकिन ये सब को याद कीजिएगा। मित्र या बराबर वालों के लोगों के लिए, ठीक है, तो मित्र को लिख रहे हैं या आप अपने बराबर के किसी लोगों को लिख रहे हैं तो आप यूज कर सकते हैं प्रिय मित्र, या प्रिय मित्र के साथ जो भी उसका नाम हो, राहुल, आदित्य, रिंकी, पिंकी, जो भी हो तो उसका नाम आप लिख सकते हैं, या मित्र वर्ग का यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर छोटों के लिए लिखते हैं, यानी कि आप अपने भाई बहन के लिए या अपने दोस्त के भाई बहन के लिए, तो आप लोग ऐसे लिखेंगे प्रिय, फिर उसका नाम लिखेंगे और या तो आप आयुष्मान का यूज करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद किसी अपरिचित के लिए या अधिकारी के लिए आप क्या यूज करेंगे? महोदय का, महोदय का उस या मान्यवर का आप यूज करेंगे। तो इतना जो संबोधन है यह कॉमन संबोधन है जो हर एक पत्र में ये रहता है, जो आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो आप क्या करेंगे? इसको याद कर लीजिएगा। तो संबोधन समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं? सर संबोधन का मतलब है कि उस व्यक्ति को हम कैसे एड्रेस कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक खास बात बता दें, अनएकेडमी का जो प्रोडजी चल रहा था उसका जो डेट है एक्सटेंड हो चुका है। तो अब जो नेक्स्ट प्रोडजी होगा वो 27 फरवरी को होगा, टाइम है 12 बजे से 1 बजे तक, तो इसमें आप बिल्कुल इनरोल कीजिए, लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो जितने भी फूफा जी के फैन हैं जाके इसको ज्वाइन कीजिए और कोड लगाइएगा फूफा
10। उसके बाद अनएकेडमी की तरफ से एक और ऑफर आप लोगों के लिए है कि अगर आप लोग 12 महीने या उससे ज्यादा का प्लस सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन करते हैं तो आपको 2 महीने का फ्री एक्सटेंशन मिलेगा। और आप एस योर एग्जाम के तहत क्लास 10th या 12th बोर्ड के हैं, आप 3 महीने का अगर प्लस सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन करते हैं तो आपको 1 महीने का फ्री एक्सटेंशन मिलेगा। तो प्लस सब्सक्रिप्शन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके जल्दी से ज्वाइन कीजिए। और लास्ट में एक और बात बता दें कि अभी अनएकेडमी आप लोगों के लिए लेके आया है टारगेट टर्म 2 ऑल सब्जेक्ट के लिए क्रैश कोर्स प्लस सैंपल पेपर है, और इसमें हिंदी हम ही पढ़ा रहे हैं, तो इसको भी, इस बैच को भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कोड लगाइएगा फूफा10। और जितने भी बच्चे अभी तक देख रहे हैं सभी लोग मेरा अनएकेडमी का प्रोफाइल लिंक नीचे है, फॉलो कर लीजिएगा। आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा वहाँ पे हेल्प मिलेगा और बहुत सारे स्पेशल क्लास मैं करा रहा हूँ, कराता रहूँगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मार्कर में इंक डाल लेते हैं, पेट्रोल। चलिए, आप कहेगा सर बचत कर रहे हैं ऐसे डाल के, नहीं वो मुन्ना फिक्स हो चुका है, ठीक है, तो दिक्कत हो जाता है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हुआ संबोधन, इसको आप लोग याद कीजिएगा। उसके बाद होता है अभिवादन। अभिवादन क्या है? तो किसी को नमस्कार करना। क्लास में नहीं करते हैं, जैसे सर आए ऐसे इन किए तो आप लोग हल्ला कर देते हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग सर। तो ये जो आप करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अभिवादन करते हैं, अभिवादन कहते हैं। तो हम बड़ों के लिए क्या यूज करेंगे? तो सादरम प्रणामा, ठीक है, या चरणयो नमामि, ठीक, इसका यूज करेंगे। मित्र के लिए क्या करेंगे, या बराबर वालों के लोगों के लिए? तो सप्रेम नमस्ते, सादरम नमामि, इस सब चीजों का यूज करेंगे। उसके बाद छोटों के लिए क्या यूज करेंगे? तो आयुष्मान भव, चिरंजीवी, ठीक है। अपरिचितों के लिए क्या यूज करेंगे? तो सादरम नमस्ते या सादरम अभिवाद्य का हम लोग यूज करेंगे। किसमें? अभिवादन में, ठीक है। तो अभिवादन क्या होता है? तो किसी को जैसे बताया ना, गुड मॉर्निंग करना, मान लीजिए कि किसी को आप लेटर लिख रहे हैं तो पहले प्रणामापाती करेंगे ना, तो उसी को हम लोग कहते हैं अभिवादन, कि हम उनका अभिवादन कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है पत्र का समापन, यानी कि पत्र का एंडिंग। तो पत्र के एंडिंग में आप क्या करेंगे? तो जितने भी है बड़े उनके लिए लिखेंगे भव दिए। अब कुछ बच्चे के मन में होगा कि सर पत्र का समापन क्या हो गया? स्कूल में जो छुट्टी लेते थे, बाबू सोना के साथ फिल्म देखने चले जाते थे और एप्लीकेशन देते थे कि सर हमको फीवर लग गया है, और नीचे लिखते थे ना योर फेथफुली स्टूडेंट, समापन हुआ वही, वही लेटर का आपका समापन हो गया। तो पत्र का समापन यहाँ क्या होगा? तो जितने भी बड़े हैं अगर उनको हम लेटर लिख रहे हैं तो भवदीय का यूज करेंगे, भवताम आज्ञाकारी का यूज करेंगे। जितने भी मित्र हैं या बराबर के लोग हैं तो उनके लिए भी भवताम मित्रम या शुभाकांक्षी, छोटे हैं तो उनके लिए भवदीय शुभचिंतक, और अपरिचित के लिए भी हम लोग क्या यूज करेंगे? भवदीय का यूज करेंगे। तो ये हो गया स्टूडेंट पत्र लेखन का क्या हो गया। तो यह एकदम सभी बच्चे क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, मतलब वीडियो को स्टॉप कीजिए, हमारा चेहरा मत देखिए, वीडियो को स्टॉप कीजिए और इस सब को बढ़िया ढंग से नोट करके लिख लीजिए। और सुनिए, जो बच्चा सोच रहा है कि एक स्क्रीनशॉट ले ले, हो गया, अरे बाबू अभी मन को बहलाओ मत, अभी कॉपी में आप नोट बनाओ, ठीक है। होता है मन कहता है कि नोट बनाना है, नोट्स बनाना है, सर कह रहे हैं नोट्स बनाना है तो बना लेंगे, लेकिन बनाने का मन नहीं कर रहा है, ठंडा लग रहा है, तो क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ठीक। तो जिंदगी भर स्क्रीन शॉट रह जाता है, मोबाइल में ही रह जाता है, कॉपी में नोट्स बनाइए। और हम हमेशा कहते हैं कि नोट्स ऐसा बनाइए कि उससे इतना अच्छा नंबर लाइए कि इतने बड़े पद पे जाइए कि नोट कमाइए। तो नोट से नोट कमाने की बारी अब आपकी है, ठीक है। और एक और बात देखिए स्टूडेंट, होता क्या है कि लेक्चर में डिले हो रहा है, मैं मान रहा हूँ, तो बहुत सारा काम रहता है हमको, ठीक है, पढ़ना रहता है, पढ़ाना रहता है, लेकिन पूरा कोशिश करते हैं कि आपको हम लेक्चर दें। जैसे मान लीजिए यही हमने लिखा है, इसी को लिखने में आधा घंटे का समय लगा है, चाहते तो लेक्चर में भी लिखते, आपको पढ़ाते रहते बड़ों के लिए आदरणीय पूजनीय इस टाइप से, लेकिन इसमें बहुत लंबा समय खींच जाता
और ऐसे भी संस्कृत आप एग्जाम टाइम में पढ़ने आते हैं तो उस वक्त 2 घंटा का वीडियो पत्रे का दे देते हैं, तो बाकी बात का क्या होता, इसको सोचकर हम ये दिए हैं, ठीक है। और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, ठीक, नहीं तो बहुत सारे ऑफलाइन वाले हैं कहते हैं कि हमारे यहाँ आके पढ़ाइए, इतना लाख देंगे, इतना करोड़ देंगे, लेकिन हम नहीं जाते हैं। हम जानते हैं कि जाएंगे अगर पढ़ाने तो सारा समय उसी में चला जाएगा, तो वीडियो कब बनाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे पढ़ाएंगे तो 100-200 बच्चा का फ़ायदा होगा, वो हमसे पढ़ के अच्छा मार्क्स लाएगा, यहाँ पे पढ़ाएंगे तो वो भी बच्चा पढ़ के अच्छा मार्क्स लाएगा और पूरा देश का बच्चा पढ़ के अच्छा मार्क्स लाएगा, ठीक है। तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी थोड़ा सा एफर्ट डालिए और मेहनत कीजिए। तो संबोधन का मतलब क्या हो गया, किसी को संबोधित करना। तो हम लोग बड़े के लिए क्या यूज करेंगे, आदरणीय, मान्यवर, पूजनीय या माननीय, यह ऑफिशियल है। मन में तो आप लोग गालिए देते होंगे उससे क्या, लेकिन ये याद रखिएगा। अभिवादन वही जैसे गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर कर दिए। पत्र का समापन यानी कि एंडिंग, वो जो फीवर लगा है सर, योर फेथफुली स्टूडेंट, वो वाला, तो वही वाला है पत्र का समापन जो आपको यहाँ देखना है। चलिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आज का जो भी क्लास है उसका बढ़िया वाला क्वेश्चन वहाँ पे दे देंगे, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए उम्मीद कर रहे हैं कि इसको नोट कर लिए होंगे, अब चलिए पत्र पे चलते हैं। और एक और खास बता दें कि जो भी बच्चे अभी तक संस्कृत प्रो बैच को ज्वाइन नहीं किए, जिसमें मैं पर्सनली संस्कृत की तैयारी करवाता हूँ, तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। फुल डिटेल वीडियो बना दिया जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ये सबको याद आपको कर लेना है, क्या कर लेना है, याद कर लेना है, ठीक है। अब चलिए पत्र पे चलते हैं। तो अब चलिए स्टूडेंट एक पत्र का करते हैं प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उसका पोस्टमार्टम कर देंगे और आपको बता देंगे कि पत्र कैसे लिखा जाता है, ठीक है। उससे पहले मेरी एक बात जरूर याद रखिएगा स्टूडेंट, कि अगर आप पहली बार पत्र बनाने जाइएगा तो आपको दिक्कत होगा ही होगा। मान लीजिए कि आप मैथी पढ़ रहे हैं और आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं और पहली बार उस चैप्टर को देख रहे हैं, तो दिक्कत होता है कि नहीं होता है, सेम उसी तरह पत्र में भी होता है। लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस कीजिएगा आपका पत्र ठीक हो जाएगा, और बारी बारी से हम बहुत क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा देंगे, इसलिए बिल्कुल भी टेंशन वगैरह नहीं लीजिएगा। और बेटा आप फूफा जी के बच्चे हैं तो आपको पता होगा कि टर्म वन में जो सब हार्ड टॉपिक था, समास, वाच्य, उस सब का तो हम लोग गर्दा उड़ा दिए थे। उड़ा दिए थे कि नहीं उड़ा दिए थे, टर्म वन में समास इतना बड़ा टॉपिक हम लोग के सामने टिका नहीं टिका, तो फिर ये पत्र कौन सा खेत का मूली है, अभी 2 फैट देंगे भाग जाएगा। और ऐसा आपको माहिर बना देंगे ना कि बोर्ड एग्जाम में पत्र ऐसे करेगा, ओ मैं चलती हूँ, ये फूफा जी के बच्चे हैं, शर्मा के भाग जाएगा, ठीक है। इसलिए शांति से पत्र को देखिएगा। अब जैसे ही ये देखें, सर ये क्या लिख दिए समझ ही नहीं आ रहा, शांति से देखिए और समझिए, ठीक है। शांति से बैठ के और देखिए कैसे पत्र का आंसर बनता है। उससे पहले देख लें कि सब ठीक ठाक है कि नहीं, सब ठीक है, कैमरा एंगल वगैरह सब कुछ ठीक है, शांति से रुकिए। अब देखिए स्टूडेंट, यह जो क्वेश्चन है हमने लिया है CBSE के Term 2 के सैंपल पेपर से, Term 2 के सैंपल पेपर से, ठीक है, सैंपल पेपर से हमने लिया है। अब एक बात आपको हम बता देते हैं, संस्कृत में CBSE का जो है हम पूरा रिसर्च करके बैठे हुए हैं, ठीक है, और रिसर्च करके आपको पढ़ाए हैं, इसीलिए टर्म वन में आपको 40 out of 40 आया है, ठीक है, और टर्म टू में भी आएगा। तो एक बात आपको याद होगा कि हम शुरू से कह रहे हैं कि बाबू संस्कृत में सैंपल पेपर का जो रोल है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कोई पब्लिकेशन का नहीं, वो सब फालतू सैंपल पेपर है। CBSE अंकल का जो ऑफिशियल सैंपल पेपर है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसका फुल वीडियो एक सॉल्यूशन बना दिए, तो नहीं अगर देख के अभी तक सॉल्व किए तो कर लीजिएगा। और उसके बाद 4 सैंपल पेपर हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देंगे, उसको भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो उसी सैंपल पेपर में से हमने क्वेश्चन लिखा है। अब देखिए इस पत्र को आपके सामने हम सॉल्व करके दिखाएंगे, और हम सॉल्व नहीं करेंगे, आप खुद सॉल्व करेंगे। अब आप कहेंगे कि सर हमको तो आता ही नहीं है, कैसे करेंगे। शांति से पहले यह मन से निकाल दीजिए कि आपको नहीं आता है, ठीक है। हम अभी पत्र सॉल्व करेंगे तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमको भी नहीं आता है, और कैसे हम स्मार्टनेस से पत्र बना जाएंगे देखते रहिएगा आप, ठीक है। चलिए देखिए स्टूडेंट, आप जो है सबसे पहले एग्जाम में जाइएगा
तो देखिएगा कि पत्र में अगर लिखा है पुनः लिखतु या पुनः उत्तर पुस्तिकाया लिखतु, तो इसका मतलब होता है कि पत्र को आपको दोबारा लिखना है। तो आप भी यह गलती नहीं कीजिएगा कि पत्र आया तो हाँ दो का एक में क्या होगा ये होगा, दो में क्या होगा ये होगा, तीन में क्या होगा ये होगा, फिल करके आ गए और उम्मीद कर रहे हैं कि पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा, तो गलत है। पूरा पत्र को दोबारा लिखना है और इसी तरह अंडरलाइन कर कर के जो भी आपका आंसर हो उसको लिख देना है। इस बात को गांठ बांध के याद कर लीजिएगा कि पत्र जो है हमें पूरा लिख के आना है, ठीक है। चलिए उसके बाद जब भी पत्र दे तो सबसे पहले आपको यह पकड़ना है कि यह पत्र कौन सा है, क्योंकि आपके जो CBSE अंकल होते हैं, अंकल जी पत्र का कोई सिलेबस नहीं दिए हैं कि हे भतीजा हे भतीजी, मतलब हे बच्चा हे बच्ची, ये पत्र को आप पढ़ लो, यही पत्र हम आपसे पूछेंगे। अब आप कहेंगे कि सर सिलेबस नहीं है तो कौन सा पत्र आएगा, तो दो ही टाइप का तो पत्र आता है, एक या तो प्रिंसिपल अंकल को लिखने वाला पत्र और नहीं तो दोस्त को और उसी में दोस्त के छोटे भाई बहन को, बताइए कोई बड़ी बात है। तो यही जितना भी फॉर्मेट हम बताए इसका बारी बारी से हम प्रैक्टिस आपका करवा देंगे, ठीक, टेंशन नहीं लीजिएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि प्रिय हार्दिक, तो हो सकता है कि मित्र को लिख रहा है, लेकिन हो सकता है कि अपने दोस्त के भाई बहन को लिख रहा है, ठीक है। तो शांति से पहले उसका टाइटल पढ़ के समझना है। अब आप कहेंगे कि सर हम पढ़ने ही जाते हैं तो हमको समझ में नहीं आता है। अब पहली बार आप तो छोड़िए, हम ही कोई टॉपिक अगर पहली बार देखें, ठीक है, मैथ का ही टॉपिक ले लीजिए कोई भी, अगर हम पहली बार देखें तो क्या हमको आएगा समझ में? नहीं ना आएगा, ना आपको आएगा ना हमको आएगा, ठीक है। तो आपके लिए जैसे ये नया है, बहुत लोगों के लिए नया है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है, शांति से पढ़ पढ़ के समझना है कि पत्र का क्या है। जैसे स्टार्टिंग करना है भवान हार्दिक, क्या है भवान हार्दिक, तो मान लीजिए कि भवान का मतलब आपको नहीं पता है, ठीक है नहीं पता है, हम भी मान के चल रहे हैं एक स्टूडेंट है हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, सेम उसी प्रकार से करेंगे जैसे आप करते हैं। भवान हार्दिक, ठीक है, भवान का मतलब नहीं पता, हार्दिक का मतलब हार्दिक होता है। भवान प्रतिदिनम, चलिए भवान का नहीं पता, प्रतिदिनम यानी कि एवरी डे, ये तो पता होगा ना, इतना तो बुर्बक गोबरदास आप लोग हैं नहीं कि प्रतिदिनम का मतलब ना पता हो एवरी डे। प्रतिदिनम च चाउमीन बर्गर, अरे तोरी के चाउमीन बर्गर, चाउमीन बर्गर का भी मतलब नहीं पता, बाबू सना के साथ चौक पे लेते रहते हैं वही चाउमीन बर्गर। इत्यादिकम मतलब ETC, त्वरित भोजनम, त्वरित भोजनम चाउमीन बर्गर त्वरित भोजनम, हो सकता है तला हुआ भोजनम हो, लेकिन कोई ना कोई भोजन है। उसके बाद खादति, अब खादति का मतलब क्या होता है, खाता है ठूसता है खाता है खाता है। स्वस्थ भोजनस्य, स्वस्थ भोजनस्य, इसी तरह ना आप लोग दिमाग पे जोड़ देते हैं, बिल्कुल दीजिए, स्वस्थ भोजनस्य यानी कि हेल्दी भोजन, ठीक है हेल्दी भोजन। महत्वम यानी कि इम्पोर्टेंस, वर्णयंताया अग्रजया भवंतम प्रतिपत्रम लिखतम, वर्णयंताया अग्रजा, अच्छा मतलब कि हेल्दी भोजन के महत्व को बताना है और आप क्या हैं तो बड़े हैं। ओ समझ गया बेटा, अब रुक जाओ ऐसे कहिए, क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में ऐसे कहिए, हाँ बेटा समझ गया, अब तू रुक शांति से रुको। अब उसके बाद आइए मंजूषा पे एक नज़र मार लीजिए, आपको मतलब पता हो नहीं पता हो फिर भी मार लीजिए एक नज़र। त्वरित भोजनस्य तेजतु पत्रेन सेवनम इर्दिशम ग्रहितव्यम स्नेहाशीष सेवते रुग्ण अग्रजा, ठीक है बेटा चलो रुक जाओ। अब आइए पत्र को हम लोग बनाते हैं, ये पत्र को हम लोग बॉक्स में, पहले हम यहाँ पे छोड़िए बॉक्स उक्स का क्या है झमेला करें, अब पत्र को बनाते हैं। देखिए अभी आपको हम क्या सिखाएं कि पत्र में क्या होता है, सबसे पहले संबोधन, फिर अभिवादन और लास्ट में समापन, ये स्टार्टिंग का कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो आपको याद रखना है। तो इस पत्र में आप सबसे पहले क्या करेंगे, संबोधन करेंगे, संबोधन करेंगे ना, तो आपको किसको पत्र लिखना है, तो देखिए यहाँ लिख दिया है भवान हार्दिक, मतलब आपको हार्दिक को पत्र लिखना है,
अब आप कहेंगे सर कैसे पता चला? इसलिए पता चला कि क्वेश्चन में नीचे हिमांशी दे दिया है, इसका मतलब कि हिमांशी पत्र लिख रही है, तो हार्दिक को लिख रही होगी। ठीक, तो यहाँ पे आप देखें कि संबोधन पहले ही हो चुका है प्रिय हार्दिक। आपको हमने बताया कि छोटों के लिए आप क्या कर सकते हैं, संबोधन में प्रिय लगा सकते हैं, प्रिय के साथ उसका नाम भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा वही काम हुआ, प्रिय हार्दिक लगाया। अब संबोधन के बाद क्या होता है? अभिवादन होता है। बताएं कि नहीं बताइए सर? अभिवादन मतलब क्या कि उसको क्या आप नमस्कार कर रहे हैं या ब्लेसिंग दे रहे हैं? तो ये छोटा है तो इसको ब्लेसिंग मिलेगा, तो देखिए यहाँ पे अभिवादन का मिल गया, तो सेम इसी चीज़ को यहाँ पे पुट कर देना है। अब आप कहेंगे सर कैसे पता चला? याद कर लीजिए, ये जो इस टाइप से त्रस हटा के वो कंप्यूटराइज हो गया है जमाना, कि प्रश्न जो है ऐसे लिखिएगा प्रश्न और इसी में स हो जाता है, तो उसी टाइप से है, स्नेह आशीष है, तो इसको आप क्या कीजिएगा यहाँ पे लिख दीजिएगा, सेम जैसे CBSE अंकल लिखे वैसे ही हम ही लिख देते, ताकि कोई भी आप में कंफ्यूजन ना बना रहे। ठीक, तो यह जो होता है एक अभिवादन होता है छोटों के लिए, शुभाशीष शुभाकांक्षी पढ़ाए कि नहीं, तो उसी तरह ये क्या है स्नेह आशीष आपने लिखा। चलिए आधा नंबर आपका आ गया। अब इसमें तो हमको नहीं लगता है कि कोई भी बच्चा को दिक्कत होगा अभिवादन लिखने में। अरे बाबू पत्रेन किसी को आप अभिवादन में लिख सकते हैं, सेवनम लिख सकते हैं, नहीं ना लिख सकते, यही आप लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद आप आइए पत्र के समापन पे। अब आप कहेंगे कि सर डायरेक्ट स्टार्टिंग से लास्ट में चल जाएंगे? हाँ बउआ, लास्ट में चल जाएंगे। क्यों चल जाएंगे? क्योंकि इसके पीछे का एक ही कॉन्सेप्ट है कि हमको स्मार्टनेस से पूरा पत्र को सही करना है। तो आपको हमने बताया कि लास्ट में क्या होता है, तो वही होता है योर फेथफुली स्टूडेंट। तो यहाँ पे भवदीये है, तो यहाँ पे भवदीये के बाद क्या हो जाएगा, हिमांशी बड़ी होगी नहीं तो छोटी होगी। यहाँ पे पहली लिख दिया है कि हिमांशी बड़ी है, मतलब यहाँ पे क्या फिलअप हो जाएगा, अग्रजा फिलअप हो जाएगा, तो ये क्या हो गया हमारा बन गया। ठीक है, तो आधा नंबर हमारा यहाँ भी आ गया, एक नंबर तो स्मार्टनेस से आ गया। अगर घबरा जाते तो आपका भी नंबर कटता, और आपके कॉपी में से अगर बगल वाला दोस्त आंसर लिखता तो उसका भी कटता, अब बाबू सोना को भी आप बताते अगर उसका भी नंबर कटता तो बाहर में आपको जूता से मार लगता, बाबू भी छोड़ के चली जाती। तो ऐसा काम नहीं करना है, शांति से बनाना है। उसके बाद जब आप पत्र का फाइनल आंसर लिखिएगा तो बड़ा ध्यान से लिखिएगा, तय कर लीजिएगा कि क्या क्या लिखना है। होता क्या है कि जब हम लोग एग्जाम की कॉपी चेक करते हैं आपकी, ठीक है, आपकी तो अभी किए नहीं, आपके सीनियर के किए थे, तो देखते हैं उसमें पत्र में बहुत कट्टम कुट्टी रहता है, अग्रजा लिख के काट के फिर सेवते लिख दिया, फिर सेवते काट के अग्रजा लिख दिया। हम समझ जाते हैं कि ये बच्चा कन्फ्यूज़न में है। जैसे अग्रजा आप लिख दिए, दोस्त ए राम बालक अभिषेक क्या लिखा है उसका दसवां का, अग्रजा हम नहीं लिखे, काटो सेवते लिख दो, तू क्या लिखा है, तू वो लिखा है, फिर काटो। तो ऐसा ना करो, पहले तय कर लो कि क्या लिखना है और फाइनल लिखो, नहीं तो ऐसे टीचर का दिमाग खराब हो जाता है। ठीक, ये लिखिए। अब आप हिंदी पढ़े होंगे चौथा पचवा में, तो उस समय पत्र लिखने का क्या फॉर्मेट था कि मुझे आपका पत्र मिला, आशा करता हूँ कि आप कुशलपूर्वक होंगे। ठीक, तो वही चीज़ यहाँ भी लिखा है कि मया मात्रा पत्रम प्राप्तम, यानी कि मया मात्रा, अब मया का मतलब भी नहीं पता, मात्रा का मतलब भी नहीं पता, कोई बात नहीं, पत्रम प्राप्तम का तो मतलब पता है कि पत्र प्राप्त हुआ। ठीक, तो ये क्या होता है, मुझे तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ। ठीक है, तेन डैश मया ज्ञातम यत भवान संतुलित भोजनम न। एक एक फुल स्टॉप तक पढ़िए, जरूरी नहीं है कि शुद्ध शुद्ध हिंदी आना चाहिए। ठीक है, टूटा फूटा भी हिंदी आएगा तो चलेगा, बस उसका भाव क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, कहना क्या चाहता है बउआ, उसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि सल्लू भाई ने अपने अभी किसी को भी कहा, कैट को कहा, या मान लीजिए अपने वरुण भाई ने सारा को कहा कि आई लव यू। ठीक, तो सारा ने कहा कि यू डोंट लव यू। ठीक, तो इसका मतलब आप समझे, क्या समझे कि वरुण ने कहा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सारा ने कहा यू डोंट लव यू।
ठीक, कि मैं तुमसे नहीं करती हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। लेकिन सारा ने यूज किया यू, तो आप तो समझ गए ना कि वो कहना क्या चाहती है। तो जरूरी नहीं कि आपको शुद्ध शुद्ध आना चाहिए, बस आप भाव समझिए कि कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहना चाहता है कि तेन डैश मया ज्ञातम, तो इसको क्या प्राप्त हुआ, तो पत्रम प्राप्त हुआ, पत्र प्राप्त हुआ, तो तेन डैश मया ज्ञातम, तेन देश मया ज्ञातम, तेन का मतलब नहीं पता है, चलिए ज्ञातम, ज्ञात हुआ, यत भवान संतुलित भोजनम न, ठीक है, तो तेन क्या ज्ञात हुआ, किससे ज्ञात होगा, तो पत्रे से न ज्ञात होगा, क्योंकि इसको पत्र मिला है, तो उसी पत्र से न ज्ञात हुआ कि संतुलित भोजनम, यानी कि अच्छा भोजन वह न कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पत्रेन हो जाएगा, तेन पत्रेन, मतलब कि उस पत्र में, अरे पुराना फॉर्मेट था ना कि मुझे आपका पत्र मिला, आशा करता हूँ कि आप वहाँ कुशल पूर्वक होंगे, ठीक है, उस पत्र से मुझे पता चला कि आपकी शादी हो चुकी है, आपके चार बच्चे भी हैं, किसी भी बच्चे के बर्थडे में आपने हमको नहीं पूछा, तो वही है तेन पत्रेन, मतलब उस पत्र में। तो आज से याद कर लीजिए, जब भी ऐसा फॉर्मेट में रहे कि मया पत्रम प्राप्तम तेन, तो अक्सर यहाँ पे पत्रेन ही होता है, इस बात को गांठ मान लीजिएगा, तेन है तो पत्रेन, ठीक। उसके बाद संतुलित भोजनम न, संतुलित भोजनम न, संतुलित भोजनम न, संतुलित भोजनम का मतलब क्या होता है, संतुलित भोजन यानी कि अच्छा खाना न। अब खाना है तो क्या करेगा, खाएगा कि खेलेगा, सर खाना खेलेगा कि सर खाना खाएगा, तो खाएगा क्या, देखिए तो संस्कृत क्या हो जाएगा, अब बुड़बको बच्चा होगा वो कहेगा कि सर खादती हो जाएगा, लेकिन खादती तो यहाँ नहीं दिया हुआ है, तो खादिती का कोई भाई बहन दिया हुआ है, हाँ सर या दिया है ना, सेवते, मतलब कि सेवन करता है, तो इसमें क्या भर दिए हमने, सेवते भर दिए, ठीक है। चलिए उसके बाद प्रतिदिनम च चाउमीन बर्गर इति खादती, और वो प्रतिदिन क्या करता है, चाउमीन बर्गर को खाता है, बन गया, देखिए संतुलित भोजन न सेवन करके प्रतिदिन चाउमीन बर्गर को खाता है, ठीक है, यहाँ बन गया। अब आगे चलिए, डैश भोजनम स्वास्थ्य सम्यक न अस्ति, डैश भोजनम स्वास्थ्य सम्यक न अस्ति, ठीक है, सम्यक मतलब होता है अच्छा, ऐसा भोजन स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, ये तो मुँह से निकल गया, डैश भोजनम स्वास्थ्य सम्यक न अस्ति, मतलब कि ऐसा भोजन स्वास्थ्य के लिए सम्यक अच्छा नहीं है, ये तो मुँह से निकल गया कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा, ऐसा भोजन या इस तरह का भोजन, तो एक ही शब्द यहाँ होता है इद्रिसम, तो क्या यहाँ पे भर जाएगा, इद्रिसम भर जाएगा, ठीक है, कि इद्रिसम भोजनम स्वास्थ्य सम्यक न अस्ति, बन गया। चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इद्रिसम भोजनम स्वास्थ्य सम्यक न अस्ति, ठीक। अब जो जो आप फिलअप कर चुके हैं उसको काटते चलिए, क्योंकि इससे पता चलेगा कि बाकी में से ही आपको फिलअप करना है। चलिए, यदा कदा तू अस्य, यदा कदा, यदा कदा यानी कि जब कभी कभी, यदा कदा मतलब कभी कभी, तू अस्य अस्य देश कर्तुम शक्यते, मतलब कभी कभी तुम कर सकते हो, तो यहाँ पे खेलने का बात हो रहा है या खाने का, तो खाने का बात हो रहा है, तो तुम कभी कभी क्या कर सकते हो, त्वरित भोजनस्य, मतलब कि त्वरित भोजनम सेवनम से क्या है, यदा कदा तू अस्य डैश कर तुम सकते, मतलब कि यहाँ पे सेवन तुम लोग कभी कभी इसका सेवनम कर सकते हो। देखिए पत्र को आप जो है अच्छे ढंग से समझ समझ के लिखिएगा तो आपका बन जाएगा स्टूडेंट। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर आप ही हिमांशी है और आप अपने हार्दिक जैसे छोटे भाई को लिख रहे हैं, तो आप यही ना लिखिएगा कि यदा कदा तुम इसका क्या कर सकते हो, खाना खा सकते हो, यदा कदा तुम इसका पालन कर सकते हो, पर प्रतिदिनम डैश सेवनम स्वास्थ्य हानिकारनम, लेकिन अगर तुम प्रतिदिन खाते हो तो यह क्या है, तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो इसको आप लोग लिखिएगा तो इस टाइप से बनेगा। अब यहाँ तक में आपको कोई प्रॉब्लम तो हुआ नहीं होगा, तो फिर आगे दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, सेवनम तक हो गया, प्रतिदिनम डैश सेवनम, डैश सेवनम, देखिए प्रतिदिनम डैश सेवनम, तो गृहीतव्यम सेवनम, सेवनम मतलब कि कुछ खाने की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, त्वरित भोजन से भरा जाएगा, मतलब तला हुआ खाद्य पदार्थ,
त्वरित भोजनस्य। अब आप कहेंगे देखिए यहाँ पे का तो हमको स्मार्टनेस से पता चल गया। देखिए प्रतिदिनम डैश सेवनम, मतलब ये सेवनम का मतलब क्या हो गया, प्रतिदिनम डैश सेवनम मतलब कुछ ना कुछ सेवन कर रहा है। तो क्या सेवन कर रहा है, तो त्वरित भोजन सेवन कर रहा है, त्वरित भोजनस्य सेवन कर रहा है। मान लीजिए हम लिखते हैं कि राहुल गा रहा है, यहाँ पे भरना है, ठीक है, राहुल गा रहा है, बताइए क्या हो जाएगा अगर हम आपको ऑप्शन दे गाना और खाना, गाना और खाना दे, क्या आप भरिएगा, फिलअप कीजिए, तो आप निश्चित तौर पे यहाँ पे फिलअप कीजिएगा गाना। सर अब आपसे हम पूछेंगे कैसे पता चला, तो आप कहेंगे सर आप हमको बुड़बक समझ रहे हैं, गाने ना गा रहा होगा तो गाना भरा। तो उसी तरह यहाँ पे क्या है, डैश सेवनम, तो क्या सेवन कर रहा होगा, तो त्वरित भोजनस्य ना सेवनम कर रहा होगा, ठीक है, तो वही हमने लिखा यहाँ पे लिखा। चलिए तो हमारा कितना हो गया, ये भी बन गया। उसके बाद आगे जो है दीदी कहती है कि स्वस्थाय तु संतुलित भोजनम एव, यानी कि स्वास्थ्य के लिए संतुलित भोजनम एव, ठीक है। अब आगे क्या है, तो एव गृहीतव्यम और त्यजतु है और रुग्णः बचा हुआ है, तो रुग्णः बचा हुआ है, तो रुग्णः का मतलब क्या होता है, बीमारी होता है। अब आपको सर कैसे पता चला, विचित्र साक्षी चैप्टर भी आप पढ़े होइएगा तो उसमें भी आपको याद होगा कि बेचारा पिताजी का बेटा बीमार हो जाता है, तो वही वाला रुग्ण का मतलब क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है, ठीक। अब आगे चलते हैं, स्वास्थ्याय तु संतुलित भोजनम एव ग्रहितव्यम, ग्रहितव्यम यतः स्वस्थ शरीरे स्वास्थ्य वर्धकम भोजनमेव खादतु, मतलब स्वास्थ्य का वर्धक भोजन खाओ, अनेन भवान कदापि, सॉरी कहाँ गया, हाँ, एव स्वस्थ मन विकास भक्ति, अगर तुम स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन की सोच रहे हो तो अच्छा खाना खाओ। अतः भवान त्वरित भोजनस्य सेवनम, सेवनम क्या करना होगा, तो त्यागना होगा, तो क्या भरा जाएगा, त्यजतु करोति, मतलब कि तुम क्या करो, इसका त्याग करो, त्यजतु करोति। अब देखिए यहाँ पे क्या हम पत्रेन करोति लिख सकते थे, नहीं ना लिख सकते थे, रुग्णः करोति लिख सकते थे, नहीं लिख सकते थे, ठीक है। चलिए स्वास्थ्य वर्धकम भोजन मेव खादतु अनेन भवान कदापि, कदापि कदापि डैश न, कदापि डैश न, मतलब अगर तुम अच्छा भोजन खाओगे, अच्छा भोजन, तो तुम कदापि डैश न, मतलब तुम कभी क्या न, तो बीमारी नहीं, बीमार नहीं पड़ोगे, तो बीमार का क्या हो जाएगा, तो रुग्ण हो जाएगा, ठीक है। ये आपको न भविष्यति, मतलब कि तुम भविष्य में कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे, तो यही आपको लिख देना है और अग्रजा लिख देना है, ठीक है। तो लेटर के लिए क्या है कि स्टूडेंट आपको नए नए वर्डों को याद रखना होगा, तो जैसे इसी लेटर का आपने प्रैक्टिस किया तो आपने इसमें बहुत चीज़ों को सीखा, ठीक है। तो धीरे धीरे होता है, मान लीजिए कि आज आपका 10 लेटर में 10 ये भरना रहता है, फिल इन द ब्लैंक, तो उसमें मान लीजिए कि आपका एक ही सही हो रहा है, कोई बात नहीं, अगला में 2 कीजिए, 3 कीजिए, कोशिश की कर दीजिए कि 4 से ज़्यादा गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो धीरे 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 ये प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है, प्रैक्टिस से आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, ठीक। तो इसको दिमाग में रखिएगा कि प्रैक्टिस करना है। और थोड़ा सा देखिए, एक तो यहाँ पे 2 नंबर तो ऐसे ही आ जाता, हम आपको बता रहे हैं, जो नहीं भी पढ़ा रहेगा थोड़ा सा अगर पेशेंस रख कर करेगा, एक इसमें नंबर आएगा, एक इसमें अग्रजा वाला में नंबर आएगा। उसके बाद यहाँ पे जैसे राहुल गा रहा है तो क्या होगा, गाना, तो उसी तरह डैश भोजनस्य, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, त्वरित भोजनस्य, ठीक। उसके बाद त्यजतु करोति यानी त्याग करो, रुग्णः न भविष्यति मतलब भविष्य में क्या होगा, क्या नहीं होगा, तो बीमारी नहीं होगा, इस टाइप से आप भरेंगे, पूरा का पूरा मार्क्स आपका आ जाएगा, ठीक है। तो शांति से क्या कीजिएगा, पूरा पत्र को लिखिएगा, अभी बहुत पत्र आपसे हम प्रैक्टिस करवा लेंगे, इसलिए टेंशन नहीं लीजिए। लेकिन आज के इस लेक्चर से यही मेरा बताने का मतलब था कि आप लोग शांति से क्या कीजिएगा, पत्र का प्रैक्टिस कीजिएगा, मार्कर का ये बंद कर देते हैं नहीं तो सूख जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इतना सब कुछ था, ये सबको याद रखिएगा जो हम शुरुआत में बोले, ठीक है, और टेलीग्राम पे जो हम क्वेश्चन दे देंगे उसको सॉल्व कर लीजिएगा और एक वीडियो बना देंगे, ठीक है, जिसमें 4-5 पत्र और प्रैक्टिस करा देंगे, तो आपका और ज़्यादा बेहतर ढंग से कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन पत्र जो है बहुत शांति से आपको करना होगा,
ठीक है। अगर आप पहली बार देख रहे हैं, अब मान लीजिए कि जैसे उर्दू सब्जेक्ट है, उर्दू से तो हमारा नाता नहीं है, अब मेरा एक दोस्त है उर्दू में, उसको 98 मार्क्स आया, ठीक। अगर उर्दू हम देखेंगे दसवां नंबर उसका कोई भी चैप्टर, मान लीजिए चैप्टर 1 देखे, हम देखेंगे कहेंगे हमको समझ में नहीं आ रहा है, कैसे होगा, तो ये तो गलत बात हो जाएगा। अब सोचिए कि आज तक हमने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, उर्दू को आज तक हम छुआ नहीं, हम एक के बारे में कैसे पढ़ लेंगे, तो धीरे धीरे होगा। सेम वही हाल है संस्कृत के पत्र का। तो आपको धीरे 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 हैबिट बना के क्या करना होगा, याद करना होगा। और एक और बात आपको आगे ही सावधान कर देते हैं, फिर मत कहिएगा अंत में कि नहीं बताया, टर्म टू संस्कृत में पढ़ना कम प्रैक्टिस ज़्यादा करना है। और 2-3 रात में 40 में 40 लाने वाली बात जो है अब भूल जाइए, ठीक है। अब 1 महीना जम के प्रैक्टिस कीजिएगा तभी होगा। और 10,000 से ज़्यादा बच्चे टर्म 1 में 40 ला चुके हैं फूफा जी के आशीर्वाद से, तो टर्म 2 में सही मौका है कि 40 में 40 फिर से स्कोर कीजिए और 100 out of 100 का टारगेट लेके चलिए, ठीक है। और आपके साथ तो हम हैं ही, ठीक, टेंशन नहीं लीजिएगा, लेक्चर आते रहेंगे, ठीक है। खुद भी पढ़ना रहता है फिर पढ़ाना भी रहता है, ठीक है। अभी कॉलेज का एग्जाम चल रहा है, बहुत सारा प्रेशर है, लेकिन लेक्चर आपको दे रहे हैं देते रहेंगे, इसलिए टेंशन नहीं लीजिएगा। बहुत जगह से ऑनलाइन ऑफलाइन ऑफर आ रहे हैं कि सर संस्कृत पढ़ाइए हमारे यहाँ, तो हम नहीं पढ़ा रहे, इसलिए नहीं पढ़ा रहे क्योंकि वहाँ टाइम देंगे तो फिर यहाँ नहीं दे पाएंगे, और आपको टाइम नहीं देना गलत बात हो जाएगा, ठीक है। आपके फूफा जी हैं, ठीक, तो आपके फूफा जी आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तो आप भी पढ़ाई कीजिए उनके लिए, बस इतना कीजिए, ठीक है। चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम, धन्यवाद। एकदम आज का जो लेक्चर है बाबू सोना के साथ एक बार शेयर कीजिएगा और दोस्तों के साथ 2-3 बार शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। और जो भी बच्चे चाहते हैं कि पर्सनली गाइडेंस में संस्कृत पढ़े, ठीक है, 24 घंटा आपको एकदम हमारे साथ जुड़ने का मौका मिले, तो आप प्रो बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। फुल डिटेल वीडियो बना दिए जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में। धन्यवाद, थैंक यू।